दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस वक्त दुनिया में सबसे ताकतवर कंप्यूटर एक सुपर कंप्यूटर है जो 2,00,000,000,000,000,000 कैलकुलेशंस फी सेकंड कर सकता है और जो 100 GB/s से भी ज्यादा स्पीड के साथ कनेक्ट होता है। लेकिन कुरान पाक में मौजूद एक सूरत ऐसी भी है जिसमें मौजूद कोडिंग के आगे ये जदीद सुपर कंप्यूटर भी सिफर है। सूरह अल कौसर कुरान करीम की सबसे छोटी सूरत है, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाओगे कि कुरान की इस छोटी सूरत में नंबर 10 की कोडिंग इस अंदाज से मौजूद है कि आज का सुपर कंप्यूटर भी इस कमाल कोडिंग के सामने सिफर है। कुरान की ये सूरत सिर्फ 10 अल्फाजों पर मुश्तमिल है, जिसकी पहली आयत में मौजूद हरूफ भी 10 हैं। इसी तरह दूसरी आयत में भी टोटल हरूफ 10 ही हैं, फिर आखिरी आयत के हरूफ की तादाद भी 10 हैं। वो हरूफ जो इस सूरत में सिर्फ एक एक दफा आए हैं उनकी तादाद भी 10 हैं। इस पूरी सूरत में सबसे ज्यादा तकरार से जो हर्फ आया है वो हर्फ अलिफ है जो 10 दफा आया है। इस सूरत की तमाम आयात का इख्तिताम हर्फ रा पर होता है जो कि हरूफ हिजा में 10वां हर्फ शुमार होता है। कुरान मजीद की वो सूरतें जो सिर्फ रा पर इख्तिताम पजीर हो रही हैं इनकी तादाद 10 हैं, जिनमें सूरह अल कौसर सबसे आखिरी सूरत है। इस सूरत की हर आयत में मौजूद दूसरे लफ्ज़ का इख्तिताम काफ पर होता है और ये तीनों अल्फाज 10 मुख्तलिफ हरूफ से मिलकर बनते हैं। जैसे कि पहले जिक्र हो चुका कि इस सूरत की हर आयत के दूसरे हर्फ का इख्तिताम काफ पर होता है और हर आयत के आखिरी लफ्ज़ का इख्तिताम रा पर होता है। तो अब समझने वाली बात यह है कि हर्फ काफ की न्यूमेरिकल वैल्यू 20 है जबकि हर्फ रा की न्यूमेरिकल वैल्यू 200 है। तो 200 को अगर आप 20 के टेबल में देखें तो ये 10 बनता है। कुरान की बाकी सूरतों की तरह सूरह अल कौसर की इब्तिदा भी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से हुई है। अब गौर करें कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के आखिर और इब्तिदा दोनों तरफ से आप देखें तो इसमें मौजूद हर्फ रा का नंबर 10 ही आता है, जबकि सिर्फ बिस्मिल्लाह में मौजूद हरूफ की तादाद भी 10 ही हैं। पूरे कुरान पाक में सिर्फ 2 सूरतें ऐसी हैं जिसका आगाज इन्ना से हुआ है और जिसका इख्तिताम रा पर हुआ है। पहली सूरत सूरह अल कदर है जो कुरान में 97 नंबर पर आती है और आखिरी सूरत सूरह अल कौसर है जो कुरान में 108वें नंबर पर मौजूद है। अब इन दोनों सूरतों के दरमियान सूरतों की तादाद भी 10 ही बनती है। कुरान की 97 सूरत यानी सूरह अल कदर में हर्फ रा 10 मरतबा आया है, जबकि सूरह अल कदर जिसकी इब्तिदा कुरान में इन्ना से होती है और सूरह अल कौसर कुरान में मौजूद दूसरी सूरत है जिसका आगाज हर्फ इन्ना से ही होता है, तो इन दोनों सूरतों के दरमियान सिर्फ 10 आयतें ऐसी हैं जिनकी इब्तिदा इन्ना से होती हैं। इसी तरह सूरह अल कदर की आखिरी आयत से लेकर कुरान की सबसे छोटी सूरत यानी सूरह अल कौसर की पहली आयत तक कुरान में सिर्फ 10 ऐसे अल्फाज हैं जो हर्फ रा से शुरू होते हैं। कुरान की सूरत नंबर 97 यानी सूरह अल कदर की इब्तिदा हर्फ अलिफ से होती है और इस पूरी सूरत में 10 ऐसे अल्फाज हैं जिनकी इब्तिदा हर्फ अलिफ से होती है। ये कुरान करीम की सबसे छोटी सूरत है जिसमें हमने कैलकुलेशन के उस हैरानकुन तरतीब के बारे में जाना जो ये साबित करती है कि ये अल्फाज किसी इंसान के नहीं हो सकते और ये शान सिर्फ एक अल्लाह ही की है जिसने इस छोटी सूरत में ऐसी तरतीब से अल्फाजों को जमा किया कि जिस तरतीब को दुनिया का एक सुपर कंप्यूटर भी हल नहीं कर सकता। अब आप सोचें कि ये तो कुरान की सबसे छोटी सूरत है, तो कुरान की बाकी सूरतों में कितनी कैलकुलेशन मौजूद होगी? यकीनन आपकी सोच काम करना छोड़ देगी जब आप इस बारे में सोचना शुरू कर दें। और इसीलिए अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि हमने अपने बंदे पर जो कुछ नाजिल किया है अगर तुम्हें इसमें शक हो तो इस जैसी एक सूरत ही ले आओ। अल्लाह ताला मुझे और आपको हौज़े कौसर से मुबारक पानी पिलाए जिसके बाद हमें प्यास ही ना लगे। आमीन।